प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पूरक पठन पुस्तिका संचयन से पाठ 3 टोपी शुक्ला का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक राही मासूम रजा जी हैं। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि टोपी और इफन में गहरी मित्रता थी। टोपी को इफन की दादी अपनी दादी से भी कहीं अधिक प्रिय थी। इफन की दादी टोपी के साथ पूर्वी बोली में बहुत अच्छी तरह से बात किया करती थी। उनकी पूर्वी बोली टोपी को बहुत पसंद थी। और वहीं दूसरी तरफ टोपी की अपनी दादी सुभद्रा देवी उसे छोटी छोटी बातों पर डांट दिया करती थी। इसे उसे अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन बातों ही बातों में टोपी इफन से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी दादी बदल लें। तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाएं और मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाएं। तो इफन टोपी को समझाते हुए कहता है कि नहीं, यह मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरी दादी मेरे अब्बू की माँ भी हैं और अब्बू ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। और अगर मेरी दादी चली जाएंगी तो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ कौन सुनाएगा। तो इफन टोपी को सांत्वना देते हुए कहता है कि टोपी, अगर तुम्हें अपनी दादी पसंद नहीं है तो मेरी दादी कहती हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो एक दिन मर जाते हैं और तुम्हारी दादी भी तो बूढ़ी होंगी। तो टोपी कहता है, हाँ बूढ़ी तो हैं लेकिन वे नहीं मरेंगी। वो दोनों बच्चे इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी इफन के घर से उनका नौकर ये समाचार लेकर आता है कि इफन की दादी की मृत्यु हो गई है। इफन घर चला जाता है। दोनों बहुत दुखी होते हैं। शाम को जब टोपी इफन को सांत्वना देने उसके घर जाता है तो वह कह देता है कि इफन, कितना अच्छा होता कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी की मृत्यु हो जाती। दोनों ही बच्चों के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। दोनों बच्चे बस दादी के मृत्यु के दुख से चुपचाप रोते रहे। आइए कहानी का अगला अंश पढ़ते हैं। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। बदली मतलब स्थानांतरण। तो टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को यह कसम खाई, उसने यह प्रतिज्ञा ली कि अब वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की बदली होती रहती हो। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है। आत्म इतिहास मतलब जीवन का इतिहास, क्योंकि इसी तारीख को इफन के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। तो 10 अक्टूबर 1945 की जो तारीख है, हालांकि ऐतिहासिक रूप में कोई महत्वपूर्ण तारीख नहीं है, लेकिन इस दिन का टोपी के जो जीवन का इतिहास है उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी दिन इसी तारीख को इफन के पिता का तबादला हो गया था और वे मुरादाबाद चले गए थे। इफन की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसीलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। इफन के पिता का जो ये तबादला हुआ था वो दादी की मृत्यु के थोड़े दिनों बाद ही हो गया था। हालांकि दादी के मृत्यु के बाद टोपी काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा था, लेकिन इफन के चले जाने के बाद वह और भी अकेला हो गया, क्योंकि जो शहर के दूसरे कलेक्टर उस मकान में रहने के लिए आए जिनका नाम हरिनाम सिंह था, उनके 3 लड़के थे, लेकिन तीनों लड़कों में से कोई भी लड़का टोपी का दोस्त नहीं बन सका था। उनके जो 3 लड़के थे उसमें एक था डब्बू, बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। ठीक है, तो उसने 3 लड़के थे, डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बड़ा था,
गुड्डू तो उनके बराबर का ही था, लेकिन वो केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। ठीक है, इफन को इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वो कलेक्टर का बेटा है, लेकिन डब्बू, बीलू और गुड्डू, इन तीनों बच्चों को इस बात का एहसास था कि वो कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, ये किसी ने भी टोपी से बात नहीं की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, जो कलेक्टर के घर के माली और चपरासी थे वो टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। इसलिए जो टोपी था वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। कलेक्टर के जो तीनों बेटे थे, बीलू, गुड्डू और डब्बू, उस समय वे क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, हिट किया मतलब डब्बू ने बैट से बॉल को मारा। गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई, ठीक है, बल्ले से लगते ही गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। ठीक है, वो डर गया, उसने खुद को बचाने के लिए हाथ उठाया और गेंद सीधे उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट, हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। तो जैसे ही गेंद टोपी के हाथ में आई, बच्चे हाउस दैट कहकर चिल्लाने लगे। हेड माली जो कि अंपायर बना हुआ था, उसने आउट का इशारा करते हुए उंगली उठा दी, क्योंकि वह बेचारा केवल अब तक यह समझ पाया था कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू, डब्लू ने सवाल किया। डब्लू ने टोपी से पूछा, तुम कौन हो? बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। टोपी ने अपना नाम बताते हुए कहा, बलभद्र नारायण। हु इज योर फादर, यह सवाल गुड्डू ने किया। गुड्डू ने सवाल पूछते हुए कहा कि तुम्हारे पिता कौन हैं? भृगु नारायण। ऐ, बीलू ने अंपायर को आवाज़ दी। अंपायर जो कि हेड माली था, उसे आवाज़ देते हुए बीलू ने पूछा, ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासीज, उसने हेड माली से पूछा कि ये भृगु नारायण कौन है, अपना कोई चपरासी है क्या? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्लू ने सवाल किया। यस सर, हेड मालिक को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। तो हेड माली ने कहा, नहीं, शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। ठीक है, उसने दागदर अपनी भाषा में बोला था। डब्बू ने उससे पूछा कि तुम्हारा मतलब डॉक्टर से है? हेड माली ने कहा यस सर, इतना अंग्रेजी बोलना वह सीख गया था। बट ही लुक्स सो क्लम्जी, बीलू बोला। बीलू ने कहा कि लेकिन ये कितना भद्दा दिखता है। ए, टोपी अकड़ गया, अकड़ जाना मतलब घमंड आ जाना, गुस्सा हो जाना। तनी जवनिया संभाल के बोलो, एक लप्पड़ में नाचे लगियो। अब टोपी को काफ़ी गुस्सा आ गया, उसने अपनी भाषा में बोला कि ज़रा जवान संभाल के बात करो, ज़रा सोच समझ कर बात करो। एक लप्पड़, लप्पड़ मतलब थप्पड़, एक थप्पड़ मारूंगा उसमें ही नाचने लगोगे। ओह यू, बीलू ने हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशन को शुष्कार दिया। शुष्कारना कुत्ते को किसी के पीछे लगाने के लिए निकाले जाने वाली आवाज। तो बीलू को जो टोपी ने उसे धमकाया था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने टोपी को एक हाथ मार दिया, टोपी गिर गया और वह अपशब्द कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। हेड माली ने किसी तरह से बीच बचाव किया और इधर डब्बू ने, जो उनका अल्सेशियन कुत्ता था, उसे टोपी के पीछे शुष्कार दिया, उसके पीछे लगा दिया। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आए। भूकना मतलब चुभना। तो जब अल्सेशियन कुत्ते ने टोपी को काट लिया, तो कुत्ते के काटने के बाद टोपी को 7 इंजेक्शन लगाने पड़े, तब जाकर के टोपी के होश ठिकाने में, मतलब उसे समझ में आया।
और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया, मतलब फिर वो कभी कलेक्टर साहब के बंगले की तरफ नहीं गया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। तो अब टोपी ने कलेक्टर के जो घर की तरफ है उस तरफ जाना भी बंद हो कर दिया था। घर में कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था, तो अब ये उसके सामने ये सवाल खड़ा हो गया था कि अब वो करे तो क्या करे। घर में एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो टोपी के दुख को समझती थी, क्योंकि वो टोपी के दुख को समझती थी तो टोपी में उसे अपनापन नजर आया और टोपी उसके सामीप्य में चला गया। टोपी सीता की छाया में जाने के बाद, ठीक है, वैसे घर की नौकरानी थी, ठीक है, सब लोग सीता को सभी छोटे बड़े घर के सभी सदस्य डांट लिया करते थे, तो जब टोपी सीता की छाया में चला गया तो वैसे भी कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं किया करता था और अब घर के सभी छोटे बड़े सदस्य उसे भी डांट लिया करते थे, क्योंकि दोनों की हालत घर में एक सी थी इसलिए दोनों में काफ़ी नज़दीकी आ गई थी। सीता और टोपी एक दूसरे को समझने लगे थे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू कर दिया। दाज करना मतलब बराबरी करना। तो एक रात जब टोपी मुन्नी बाबू और भैरव के साथ अपनी बराबरी करते हैं तो उसकी बहुत पिटाई हुई। उसकी पिटाई से दुखी होकर के सीता उसे अपने कोठरी में छोटे से कमरे में ले आई और उससे कहा, टेक मत किया करो बाबू, मतलब बहस मत किया करो भाई। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, तो था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया, वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो नहीं ली जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए, जाड़ा मतलब सर्दी, ठीक है। तो किस लिए टोपी को डांट पीटी थी, वो क्या बराबरी करना चाह रहा था, उसके बारे में जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि बात यह थी कि सर्दियां शुरू हो गई थी और मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा मंगवाया गया था, टोपी के दूसरे भाई भैरव के लिए भी नया कोट बना था और टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिल गया था। मुन्नी बाबू के लिए एक नया कोट आया था जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें पसंद ना आने के कारण वो जो कोट था वो टोपी को दे दिया गया था और मुन्नी बाबू के लिए नए कोट का कपड़ा मंगवाया गया था। हालांकि कोट था तो बिल्कुल नया, लेकिन मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, इसी वजह से वो टोपी को मिला था, ठीक है। तो बना तो मुन्नी बाबू के लिए था, था तो उतरन, उतरन मतलब था तो किसी के लिए बना हुआ कपड़ा। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। टोपी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने वह कोट तुरंत जो उनके घर में काम करने वाली दूसरी नौकरानी केतकी थी उसके लड़के को दे दिया, ठीक है। वो बच्चा बहुत खुश हो गया। अब क्योंकि टोपी ने वो कोट नौकरानी के लड़के को दे दिया था इसलिए उसे वापस नहीं लिया जा सकता था, ठीक है। और कोई टोपी से इतना स्नेह नहीं करता था कि उसके लिए दूसरा कोट बनाने के लिए तैयार हो जाता, इसलिए सबने ये तय किया कि अब टोपी ने क्योंकि खुद अपनी मर्जी से कोट को नौकरानी के बच्चे को दे दिया है इसलिए टोपी अब सर्दी खाए, जाड़ा सहे। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। टोपी को भी गुस्सा आ गया, उसने बोला कि हम जाड़ा वाड़ा क्यों खाएंगे, हम तो चावल खाएंगे। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली, ठीक है। तुम सुभद्रा देवी जो उसकी दादी थी
वो हमेशा वैसे ही टोपी को डांटती रहती थी। तो उन्होंने कहा तुम टोपी टोपी को डांटते हुए कहती है कि तुम भात नहीं खाओगे, तुम्हें सीधे जूते मतलब तुम सीधे पिटाई खाओगे। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है। तो वो अपनी दादी को पलट कर जवाब देते हुए कहता है कि आपको इतना भी नहीं पता कि जूता खाया नहीं जाता है पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तो मुन्नी बाबू गुस्सा करते हुए कहते हैं कि दादी से बदतमीजी करते हो, उनका अपमान करते हो, ताका हम इनकी पूजा करें। तो टोपी काफ़ी गुस्सा हो गया, तो गुस्से गुस्से में उसने बोल दिया तो क्या हम इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठाना मतलब शोर शराबा करना। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। अब दादी ने काफ़ी शोर शराबा करना शुरू कर दिया और राम दुलारी जो कि टोपी की माँ थी उसने इस बात के लिए टोपी को पीटना शुरू कर दिया। तो दसवां में पहुँच गई बार सीता ने कहा तुम्हें दादी से टराओ केतना न चाही किनो ऊ तोहार दादी बाड़िन। तो सीता टोपी को समझाते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम अब दसवीं कक्षा में पहुंच गए हो, ठीक है, तो दसवीं कक्षा में पहुंचने के बाद तुम्हें अब ये समझ में आ गया होगा, टराओ मतलब बहस, कि तुम्हें दादी से बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी दादी हैं, तुमसे बड़ी हैं। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह दसवें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। दसवें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा था। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 90 में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु दसवें में वह सन 52 में पहुंच सका। हालांकि सीता ने यह बहुत आसानी से कह दिया कि तुम अब दसवीं कक्षा में पहुंच गए हो, बड़े हो गए हो, परंतु दसवीं में पहुंचना इतना आसान नहीं था। दसवीं कक्षा में पहुंचने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल वो कक्षा 9वीं में फेल भी हुआ था, ठीक है। 9वीं कक्षा में तो वो सन 49 में ही पहुंच गया था, लेकिन 10वीं में आते आते उसे सन 52 हो गए थे, ठीक है। 49 में वो 9वीं में था और सन 52 में वह 10वीं कक्षा में पहुंचा था। जब वो पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव 6ठे में। जब टोपी पहली बार 9वीं कक्षा में फेल हुआ था तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट कहते हैं माध्यमिक को, तो इंटरमीडिएट में पहले आए थे और भैरव कक्षा 6ठी में पहला आया था। सारे घर ने उसे जवान की नोक पर रख लिया था। तो सारे घर के जितने भी लोग थे उसके फेल हो जाने के कारण उसकी ही बात दिन रात किया करते थे। जवान नोक पर रख लेना मतलब लगातार किसी के बारे में बात करना। बहुत रोया, टोपी को बहुत दुख हुआ था। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, गाउदी मतलब मूर्ख, ठीक है। तो उसके फेल होने के पीछे कारण यह नहीं था कि वह मूर्ख था, उसे समझ नहीं आता था, वह काफ़ी तेज था, ठीक है, वह होशियार था, परंतु उसे कोई पढ़ने नहीं देता था, ठीक है। कारण क्या था कि होशियार होने के बावजूद, दिमाग अच्छा होने के बावजूद उसे कोई पढ़ने नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। जब भी टोपी पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता और वो टोपी को काम करने के लिए दे देते। कई बार राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी तो वो उसे सामान खरीदने के लिए भेज देती, ठीक है। कभी इन दोनों में से कभी कोई कारण ना होता तो क्या होता कि पता चलता कि भैरव ने जो टोपी है उसकी जो कॉपियां थी उनकी कॉपियों के पन्ने फाड़ दिए हैं और हवाई जहाज बना करके उड़ा डाला। इस तरीके से उसका 1 साल बर्बाद हो गया। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, दूसरे साल वो बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया था। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो सका, ठीक है। 2 साल फेल होने के बाद तीसरे साल टोपी 3rd डिवीज़न में पास हुआ था। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया।
के जो, क्योंकि घर में जो बाकी दो भाई थे वो अपनी अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आ रहे थे और टोपी थर्ड डिवीज़न लेकर के पास हुआ था, तो एक अपमान की तरह उसके माथे पर ये हमेशा के लिए चिपक गया था। आइए आज पढ़े हुए अंश के शब्दार्थ पर नज़र डालते हैं। आत्म इतिहास, जीवन का इतिहास। तबादला, तबादला कहते हैं बदली या स्थानांतरण को। क्लमजी, अनाड़ी या भद्दा। अकड़, घमंड। शुष्कार, कुत्ते को किसी के पीछे लगाने के लिए निकाले जाने वाली आवाज। दाज, बराबरी। गाउदी कहते हैं बुद्धू को। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि पाठ का आज का अंश आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।